हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन, जिसमें आपके दो मेथड रह गए थे, जिनमें एक तो है कर्टियस रिएक्शन। तो अगला मेथड है आपका फ्रॉम कर्टियस रिएक्शन, यानी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिडों की रिएक्शंस होती हैं। तो कर्टियस रिएक्शन जो है वो आपके एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन होती है, ठीक है ना। और श्मिट रिएक्शन जो होती है वो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन होती है। तो हम यहाँ पहले पढ़ रहे हैं फ्रॉम कर्टियस रिएक्शन, कर्टियस हिंदी में लिखेंगे कर्टियस अभिक्रिया, कर्टियस अभिक्रिया, ठीक है ना। एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन है ये, एक बच रही थी आपके। तो ये रहा एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम एजाइड से। व्हाट इज सोडियम एजाइड? NaN3, इसको बोलते हैं सोडियम एजाइड, सोडियम एजाइड। तो इसकी रिएक्शन बच्चों सोडियम एजाइड के साथ कराते हैं, इसको गर्म करते हैं। तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो आप देख रहे हो कि NaCl बाहर निकल जाता है, तो आपके पास बनता है CH3 acetylazide N3, दिस इज द acetylazide। अब इसके बाद इसको और गर्म करते हैं, और जब इसको और गर्म करेंगे बच्चों तो यहाँ से N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी आपकी। और जैसे ही नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी आपके पास बनता है CH3C(ON), और N के ऊपर यहाँ पर तीन लोन पेयर बसते हैं बच्चों। ये जो बना है इसके, इसमें अब हम रीअरेंजमेंट करते हैं, इसके अंदर रीअरेंजमेंट होता है, और ये बिल्कुल वही बनता है जो आपके पास पहले भी बना था, आपको याद हो तो। रीअरेंजमेंट, ठीक है, यानी कि पुनर्विन्यास, हिंदी में इसको बोलते हैं पुनर्विन्यास। तो जैसे इसके अंदर पुनर्विन्यास बनेगा, पुनर्विन्यास होगा आपका, ये इस पर जुड़ता है और ये इधर जाता है, तो यहाँ पर इसका पुनर्विन्यास होता है, तो आपके पास आता है मिथाइल आइसोसाइनेट CH3 N(CO), यानी कि MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट, जो कि आपके हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के अंदर बना था। फिर बच्चों इसकी रिएक्शन हम करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और जब इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है तो आपको ऑब्टेन हो जाता है CH3NH2, और साथ में आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इस पूरी कंप्लीट रिएक्शन को अपन बोलते हैं कर्टियस रिएक्शन, ठीक है। तो इस रिएक्शन से भी हमारे पास एमीन यानी कि 1 डिग्री एमीन ऑब्टेन होते हैं आपको, ठीक है बच्चों। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम अगली रिएक्शन करें तो रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि श्मिट रिएक्शन, श्मिट रिएक्शन, श्मिट, श्मिट रिएक्शन हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, श्मिट अभिक्रिया। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और अब हम इसको दोबारा पढ़ रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराई जाती है CH3C(OOH), इसकी रिएक्शन कराते हैं बच्चों हम, ये सोडियम एजाइड का, इसकी रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजोइक एसिड के साथ। हाइड्रोजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है N3H, ये हाइड्रोजोइक एसिड होता है, ये सोडियम एजाइड होता है, ये हाइड्रोजोइक एसिड होता है, हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक अम्ल, ठीक है। ये हाइड्रोजोइक अम्ल है, ये एसिटिक अम्ल है, कुछ नहीं करेंगे बच्चों। देखो यहाँ से, अब मैं आपको बिल्कुल सीधा सा दिखा रहे हैं, यहाँ से CO2 बाहर निकलेगा, ये डाइल्यूट, कोई भी एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शंस होती हैं, कोई सा भी डाइल्यूट एसिड हम यहाँ पर ले सकते हैं बच्चों, यहाँ ले सकते हैं हम डाइल्यूट HCl, ठीक है। एक तो CO2 बाहर निकलता है, ये रहा आपका CO2, एक बच्चों यहाँ से N3 में से एक N2 बाहर निकलेगा, एक नाइट्रोजन बाहर निकलती है। अब आपके पास जो NH बचता है उसको हम यहाँ ऐड करेंगे तो आपके पास बन जाएगा CH3NH2, तो आपके पास CH3NH2 यानी कि मिथाइल एमीन, इट मीन्स 1 डिग्री एमीन आपको ऑब्टेन होता है। तो ये रिएक्शन कहलाती है श्मिट रिएक्शन। तो बच्चों ये दोनों रिएक्शन और बची थी आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, इसी के साथ आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन कम्प्लीट होता है, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन। अब हम यहाँ एमिनो की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ जा रहे हैं, और देखो ये दोनों नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको इनको करना है, आपको इनको लर्न रखना है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन। देखिए आज का हमारा टॉपिक है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स, एमीन की फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि एमिनो के भौतिक गुणधर्म, एमिनो के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, एमिनो के भौतिक गुणधर्म।
ये कैसे दिखाई देते हैं, इनके अंदर स्मेल कैसी आती है, ये लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला आता है बच्चों फिजिकल स्टेट, पहला आता है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट बोले तो भौतिक अवस्था, इनकी ये बात करते हैं कि क्या इनकी फिजिकल स्टेट होती है। तो फ्रॉम हम इसकी कहेंगे वन कार्बन से लेकर थ्री कार्बन तक, एक कार्बन से लेकर तीन कार्बन तक या दो कार्बन तक, ये बच्चों होते हैं गैस। क्या होते हैं ये होते हैं गैस, ठीक है, यानी कि मैथेन एमीन और एथेन एमीन जो है वो गैस होते हैं। इसके बाद बात करेंगे तीन कार्बन वाले या इससे अधिक, तीन कार्बन या इससे अधिक, या इससे अधिक यानी कि मोर देन थ्री कार्बन। अगर मोर देन थ्री कार्बन आते हैं तो वो मोर देन थ्री कार्बन की अगर हम बात करें, यानी कि यहाँ पर कार्बन 10 तक, अप टू 10 कार्बन, अप टू मैं ले देता हूँ C10 तक, ठीक है। तो C10 तक हम आपके पास होते हैं बच्चों द्रव, ठीक है ना, ये आपके द्रव होते हैं यानी कि लिक्विड होते हैं। और अगर अब अप टू 10 कार्बन यानी कि अबाउट C10 यानी कि C10 से अधिक, अगर 10 से अधिक कार्बन आपके पास आ जाएंगे तो वो बच्चों वो होते हैं आपके सॉलिड, वो होते हैं सॉलिड यानी कि ठोस। ये इनकी भौतिक अवस्था होगी। अगर हम बात करें ऑर्डर, ऑर्डर यानी कि स्मेल, गंध, गंध कैसी होती है इनके अंदर, तो अगर हम बात करें लोअर एमीन यानी कि निम्न एमीन जो होते हैं, निम्न एमीन, ठीक है ना, इनकी जो गंध होती है बच्चों, इनकी गंध होती है अमोनिया लाइक, अमोनिया के जैसी गंध, ठीक है ना। और अगर हम बात करें हायर एमीन की बात करें, यानी कि उच्चतर एमीन की बात करें तो इनकी स्मेल होती है सड़ी हुई मछली यानी कि रोल्टन फिश, सड़ी हुई मछलियों की जैसी गंध होती है इसमें, सड़ी हुई खराब जो मछली हो जाती है रोल्टन फिश, इसको बोलते हैं रोल्टन फिश, सड़ी हुई मछली के जैसी, ठीक है ना, मछली के समान, ठीक है, या आप इसको ओनली मछली के समान भी कह सकते हो, फिश की तरह भी बोल सकते हो, है ना, जैसे फिश स्मेल होती है, फिशेज की जो स्मेल होती है वैसी इसकी स्मेल होती है, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं ऑर्डर के बाद आता है आपका कलर, कलर की अगर हम बात करें तो ये जो एमीन्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, वो कैसे होते हैं, कलरलेस यानी कि रंगहीन होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता है। अगर हम बात करें इन एमीनों की तो ये ऑक्सीडाइज होकर आपको कलर दे सकते हैं, अगर ये ऑक्सीडाइज रहेंगे तो कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इनका कोई कलर नहीं होता, तो कलरफुल आफ्टर ऑक्सीडाइजेशन, ठीक है ना, कलरफुल आफ्टर ऑक्सीडाइजेशन, ठीक है ना, ऑक्सीकरण के बाद कैसे हो जाते हैं, रंगीन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कलर हो गया, कलर के बाद अब हम इंपोर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं बच्चों सॉल्युबिलिटी, हिंदी में बोलते हैं विलेयता, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक जो भी पढ़ रहे थे वो ऐसा ही था, मेन है सॉल्युबिलिटी। अगर हम बात करें एमिनों की तो बच्चों जितने भी एमीन्स हैं इनमें लोअर एमीन की बात करेंगे हम, एमीन जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो एमीन जो होते हैं वो हाइड्रोजन बंधन के कारण, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्राइमरी एमीन एंड सेकेंडरी एमीन आर सोल्यूबल इन वाटर। हिंदी में लिख रहा हूं कि हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण प्राथमिक एमीन यानी कि प्राइमरी एमीन व द्वितीयक एमीन
जल में विलय होते हैं, जल में विलय होते हैं। तो इसका मतलब प्राथमिक और द्वितीयक हाइड्रोजन बंध बनाएंगे, इसलिए वो जल में विलय होते हैं। तो मैं यहाँ प्राथमिक के साथ हाइड्रोजन बंधन बना के दिखा रहा हूँ आपको, NH2 आपको दिखाई दे रहा होगा। एल्किल एमीन, प्राइमरी एमीन में दो हाइड्रोजन होते हैं, तो ये आपके जल वाटर के साथ, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। फिर से आपका एमीन आ गया, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, यहां भी, यहां भी, फिर से आपका आ गया। तो बच्चों अगर आप गौर से देखो, ये आपका 1 डिग्री एमीन, फिर ये वाटर, फिर ये 1 डिग्री एमीन। मैं इसको यहां अच्छे तरह लिख देता हूं, विलय होते हैं, हाँ जी। फिर इसके बाद आगे ओ एच, फिर इसके बाद आगे एन आर एच टू। तो इस तरह आप देखोगे, ये 1 डिग्री एमीन, ये 1 डिग्री एमीन, ये 1 डिग्री एमीन बीच बीच में वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। तो 1 डिग्री एमीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है क्योंकि इसके पास, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है। 2 डिग्री के पास भी हाइड्रोजन होता है, वो भी आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। 3 डिग्री के पास भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, वो भी, सॉरी, 3 डिग्री के पास हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। तो 3 डिग्री एमीन जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं, 1 डिग्री और 2 डिग्री होता है, क्योंकि 3 डिग्री के पास हाइड्रोजन नहीं होता है। दूसरी बात, अगर हम बात करें 1 डिग्री में, आप देखोगे यहाँ पर एक हाइड्रोजन ये रहा, एक ये रहा, तो ये भी वाटर के साथ आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, ठीक है। तो ये भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। तो 1 डिग्री एमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू 2 डिग्री एमीन, फिर 2 डिग्री में ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू 3 डिग्री एमीन। तो अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, ऑर्डर विलयता का क्रम, विलयता का क्रम, वो भी जल में विलयता का, 3 डिग्री एमीन सबसे कम होते हैं, सबसे कम विलय होते हैं 3 डिग्री एमीन, लेस सोल्यूबल। उसके बाद 2 डिग्री एमीन सबसे ज्यादा होते हैं, उससे ज्यादा होते हैं 2 डिग्री एमीन, और उसके बाद सबसे ज्यादा होते हैं 1 डिग्री एमीन। तो 1 डिग्री एमीन आर मोर सोल्यूबल इन वॉटर ड्यू टू मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंडरस्टैंड। तो यहां पर सोल्यूबिलिटी की बात करेंगे, सोल्यूबिलिटी 3 डिग्री सबसे लेस सोल्यूबल होगा वॉटर के अंदर। इसी तरह 2 डिग्री में आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हो, अगर 2 डिग्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी है तो एक एच की जगह आर आ जाएगा, यहाँ आर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 2 डिग्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हो। अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो एल्किल ग्रुप इंक्रीज होने की वजह से देखो सॉल्युबिलिटी यानी कि विलयता, वो भी वाटर में, सॉल्युबिलिटी यानी कि विलयता, सॉल्युबिलिटी किसको बोलते हैं अपन, विलयता को बोलते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल्किल ग्रुप, आर समूह, आर समूह मतलब एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप जैसे जैसे इंक्रीज होता है सॉल्युबिलिटी वाटर में डिक्रीज होती है, क्योंकि एल्किल ग्रुप जो होता है, एल्किल समूह जो होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का, जल विरागी प्रकृति का होता है, जिसकी वजह से जैसे जैसे एल्किल ग्रुप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विलयता कम होती चली जाएगी। दूसरा, अगर हम मॉलिक्यूलर वेट से कंपेरिजन करें तो भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा, एल्किल ग्रुप इंक्रीज होता है मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। इसी के अलावा जितने भी एल्किल एमीन होते हैं, बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो लाइक डिजोल्व लाइक, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, CH3 CH2 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 NH2, और मैंने यहाँ लिखा CH3 CH2 NH2, तो यहाँ पर एल्किल ग्रुप बहुत बड़ा है, ये भी 1 डिग्री एमीन है और ये भी 1 डिग्री एमीन है, दोनों 1 डिग्री एमीन है, लेकिन इसमें एल्किल ग्रुप छोटा है, इसमें एल्किल ग्रुप बड़ा है, तो इसलिए मोर सोल्यूबल ये होगा, ठीक है। जितना छोटा एल्किल ग्रुप होगा उतना ही ज्यादा सोल्यूबल होगा, और इससे भी ज्यादा सोल्यूबल आएगा आपका मैथेन एमीन, इससे भी ज्यादा सोल्यूबल होगा आपका मैथेन एमीन, ठीक है बच्चों। अब अगर हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, तो 3 डिग्री वाला लेस सॉल्युबल होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री वाला लेस सॉल्युबल होता है 1 डिग्री से। इसके बाद अगला अपना सॉल्युबिलिटी के बाद आता है अगला बॉइलिंग पॉइंट, अगली फिजिकल प्रॉपर्टी आती है बीपी यानी कि क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। अब इसके बारे में बात करते हैं,
तो पहला पॉइंट तो वही है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है, ठीक है। दूसरा लेटरल चेन की अगर हम बात करें, तो जैसे जैसे लेटरल चेन इंक्रीज होती है, यानी कि ब्रांचिंग इंक्रीज होती है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। ये भी हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्श्व श्रृंखला, यानी कि ब्रांचिंग शाखा। जैसे जैसे शाखा बढ़ेगी, ब्रांचिंग बढ़ेगी, ब्रांच इंक्रीज होगी, बीपी डिक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। ड्यू टू सरफेस एरिया डिक्रीज जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है, जिससे वंडरवाल फोर्सेस कम हो जाएंगे और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन की, कि आखिर इनमें क्या होता है। तो बच्चों 1 डिग्री एमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है, यहाँ भी मैं आपको शो कर रहा हूँ। देखिए सॉल्युबिलिटी के अंदर अपन ने वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करी थी, अब हम करेंगे एमीनों के खुद के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो आपका 1 डिग्री एमीन है उसमें खुद के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है। ये रहा आपका 1 डिग्री एमीन, आर एन एच, ठीक है। तो यहां से फिर से 1 डिग्री एमीन है आपका, ये 1 डिग्री एमीन है, यहां से फिर से ये 1 डिग्री एमीन है, आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द 1 डिग्री एमीन। तो इसमें मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आप यहां से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हो, ये आपका 1 डिग्री एमीन है, इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, आप देख सकते हो। तो 1 डिग्री एमीन हर तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, एक नेटवर्क बना लेता है, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर होती है। तो बच्चों इतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। लेकिन 2 डिग्री में केवल एक ही हाइड्रोजन होता है, आर एन एच आर, आर आर, यहां देखेंगे केवल एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, आर एन एच आर, आर आर एन एच। तो बच्चों ये 2 डिग्री एमीन की बात करें तो यहां पर एक ही की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, किससे, इससे। और अगर मैं 3 डिग्री की बात करूं तो वहां पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ बीपी, क्वथनांक का क्रम, क्वथनांक का क्रम भी बेटा वही आएगा बच्चों जो विलेयता का आया था, कि 3 डिग्री एमीन का क्वथनांक सबसे कम होता है, क्योंकि कोई भी हाइड्रोजन इसके पास नहीं होता जिससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके। इसके बाद 2 डिग्री एमीन का क्वथनांक होता है इससे ज्यादा 3 डिग्री से, और 2 डिग्री से भी ज्यादा होता है 1 डिग्री एमीन का क्वथनांक। तो बच्चों इस तरह ये क्वथनांक का क्रम भी यही होगा, और इसी के साथ है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन, यानी कि एमीन की कुछ केमिकल रिएक्शंस पढ़ने जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।